सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी A71 के बारे में। तो अभी आप लोगों ने रिसेंटली में देखा कि सैमसंग की तरफ से एक रिपोर्ट निकल के सामने आया था और उससे हमें पता चला था कि 2020 में सैमसंग अपने ए सीरीज में 9 स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी A11 से लेके A91 तक के आपको स्मार्टफोन यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसमें से एक स्मार्टफोन होगा सैमसंग गैलेक्सी A71 और ये A70 का और A70S का सक्सेसर यहाँ पर होने वाला है। तो अभी कल ही सैमसंग की तरफ से और एक न्यूज़ निकल के सामने आई थी कि जो सैमसंग 2020 में ए सीरीज के स्मार्टफोन में चिपसेट यूज़ करेगा वो होगा एग्जिनोस का 9630 का चिपसेट। अब ये चिपसेट बताया जा रहा है कि दोनों यानी कि सैमसंग गैलेक्सी A51 और सैमसंग गैलेक्सी A71 इन दोनों ही स्मार्टफोन में सेम आपको यही चिपसेट देखने को मिलेगा। और अभी रिसेंटली में सैमसंग ने कुछ पेटेंट भी फाइल किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले दिखाया जा रहा है और बैक साइड में आपको हॉरिजेंटल ट्रिपल कैमरा का सेटअप यहाँ पर मिलेगा, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी A51 और सैमसंग गैलेक्सी A71 में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर दोनों ही फ़ोन में सेम चिपसेट होता है तो फिर लोगों के लिए तो जज करना ईजी होगा, बाय करना ईजी होगा, लेकिन ऐसा क्या डिफरेंट होगा कि आपको दोनों स्मार्टफोन में अलग अलग फ़ोन को बाय करने पर यहाँ पर मजबूर कर दे। जहाँ तक अभी कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि शायद सैमसंग गैलेक्सी A71 आएगा यहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि अभी तक ये जो एक्जिनोस का 9630 है इसके बारे में पूरा अभी डिटेल नहीं पता कि ये जो चिपसेट है ये 5G को सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता। अगर ये चिपसेट 5G को सपोर्ट करता है तो आपको सैमसंग गैलेक्सी A51 में 5G का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बात होगी। और 2020 में 5G आपको काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो नो डाउट ये स्मार्टफोन तो अभी आने वाला है नहीं, ये स्मार्टफोन आपको 2020 में ही मिलेगा, यानी कि जनवरी के मंथ में ये स्मार्टफोन आ सकता है और यहाँ पर आपको अगर हार्डवेयर अगर सपोर्ट करे तो ये स्मार्टफोन 5G को यहाँ पर सपोर्ट कर सकता है। तो 2020 के लिए सैमसंग के यहाँ पर जो तैयारी है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और देखते हैं कि 2018 में सैमसंग और क्या कमाल कर सकता है, क्योंकि सैमसंग ने 2019 की जो स्टार्टिंग थी वो काफ़ी ज़बरदस्त की थी। मतलब सैमसंग का एम सीरीज आया, उसके बाद सैमसंग का ए सीरीज काफ़ी कमाल का था और यहाँ पर सैमसंग 2020 के लिए भी काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर तैयारी ऑलरेडी करना स्टार्ट कर शुरू कर दिया है। तो आप लोग क्या सोचते हैं सैमसंग गैलेक्सी A71 के बारे में, आप लोग अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सैमसंग गैलेक्सी A71 और सैमसंग का जो ए सीरीज है 2020 में मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर करने वाला है, क्योंकि अभी सैमसंग गैलेक्सी A90 को भी वाईफाई सर्टिफिकेशन मिल चुका है और ये सैमसंग की तरफ से फर्स्ट नॉन फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको फ्लेक्सिबल लेवल का हार्डवेयर मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छी बात है और सैमसंग यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा है। अब आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।